आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर थ्री मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का ये चैप्टर थ्री है और इसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस। तो इसमें आपके मिक्सअप क्वेश्चन है। पहली प्रॉब्लम, लेट ए इज इक्वल टू 0100 देख रहे हैं, सो दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन आई प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन बी ए। ये प्रूफ करना है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एन नेचुरल नंबर है, अब देखो अब इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एन टाइम्स हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव की जाती है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, पहले एन इजिकल टू वन पुट करके इसको प्रूव करेंगे, फिर एन इजिकल टू के पुट करके इसको ट्रू मान लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद उसकी हेल्प से के प्लस वन के लिए इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं, चलो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। लिख दो, लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। तो एन वन पुट करते हैं इसके अंदर हम, तो क्या हो जाएगा, ये जी ए आई प्लस बी ए होल पावर वन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ए आई प्लस बी ए। ए आई का मतलब ये ए वन जीरो जीरो वन आई हो गया, बी ए की वैल्यू यहां से जीरो वन जीरो जीरो, तो ए जीरो जीरो ए प्लस जीरो बी जीरो जीरो, प्लस करके मिला आपको ए बी जीरो ए। ये तो लेफ्ट साइड, और राइट हैंड साइड में रखो ये नाइन वन, तो क्या मिलेगा ए की पावर वन आई वन ए रेज टू पावर वन माइनस वन बी ए, तो ए वन जीरो जीरो वन, ये वन और यहाँ पर वन हो जाएगा ये, और b इंटू ए ए की वैल्यू है क्या बनेगा जीरो b जीरो जीरो, यानी b की मल्टीप्लाई हो जाएगी a में, तो प्लस सर क्या आएगा देखो a जीरो जीरो a जीरो b जीरो जीरो, तो a b जीरो a यानी ट्रू है। ठीक है, this implies it is true for n is equal to 1, तो 1 के लिए true है। तब हम अब इसको k के लिए true मान लेते हैं, ले लेते हैं that it is true for n is equal to k। इसका मतलब ये हुआ अगर n को हम k put कर दें इसमें, अगर एन को यहाँ के पुट कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, ए आई प्लस बी ए होल पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के आई के ए की पावर के माइनस वन बी ए।
ओके तो एआई का मतलब प्लस बी ए, इसको ये होगा, देखो ए आई का मतलब ए जीरो जीरो ए, बी ए का मतलब जीरो बी जीरो जीरो, यानी बी की मल्टीप्लाई में होल पावर के, यानी ए बी जीरो होल पावर के, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम। तो क्या बनेगा ये, ए की पावर के आई, तो ए की पावर के जीरो जीरो ए की पावर के, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी में ए में, तो जीरो के ए की पावर के माइनस वन बी जीरो जीरो की पावर के। ओके जीरो और ए की पावर के, इसको मैंने ट्रू मान लिया, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। ओके तो अब अगर ये के प्लस वन के लिए ट्रू हो जाए, अगर मैं के को रिप्लेस कर दूं के प्लस वन से, और यहां के रिप्लेस हो जाए के प्लस वन से, तो ये एन की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू हम। नाउ टेक एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा जी ए लेफ्ट हैंड साइड ए बी जीरो ए होल पावर के प्लस वन। ठीक, तो इसको ब्रेक कर लेंगे हम, ए बी जीरो ए होल पावर के इंटू ए बी जीरो ए, इस तरह से। ठीक, अब मैंने इसको तो मैंने टू मान लिया, ठीक, इस वैल्यू क्या है ये रही, तो इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, ए की पावर के ए की पावर के माइनस वन बी जीरो और ए रेस्ट पावर के, ए बी जीरो ए। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा इसका, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ए रेज टू पावर के प्लस ए बी तो इसको एज ए वेक्टर, मतलब तुम्हारी ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है, देखो 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए की पावर के इंटू ए, ये मिला ए की पावर के प्लस वन। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए की के की मल्टीप्लाई इसमें इंटू बी प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें ए रेस्ट पावर के माइनस वन बी इंटू ए। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो इंटू ए और दिस इंटू जीरो, तो जीरो मिलेगा, और दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, यानी सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में जीरो की बी में हो जाएगी और ए की पावर के की ए में इंटू ए। क्या मिला, ए रेस्ट पावर के प्लस वन, और ये क्या मिलेगा, देखो ए की पावर के माइनस वन इंटू ए फर्स्ट के हो गया, ए रेस्ट पावर के हो गया, और इसमें बी ये कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, प्रूव करना है इसमें ये ए रेस्ट पावर के इंटू बी, तो यहाँ से वन मिलेगा और यहाँ से के, ठीक, जीरो और ए रेज टू पावर के प्लस वन, हो गया प्रूफ। देखो जो हमारे पास ये साइड थी,
इसकी राइट हैंड साइड। इसमें मैंने के प्लस वन प्रूव किया, यहाँ पर ट्रू रख दिया इसके अंदर, के जो के प्लस वन से रिप्लेस करा, तो इसकी वैल्यू यहाँ के की जगह के प्लस वन आ गया। देखो के प्लस वन और के प्लस वन, तो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिख दो। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, बिल्कुल ऐसी है ही, क्वेश्चन नंबर टू। ए इज इक्वल टू 1 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
रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1, और 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1, n माइनस 1, और 3 रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, ये प्रूव करना है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो, ये है मेरे पास, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और ए रेज टू पावर एन मेरे पास है। देखो, सभी के अंदर 3 की पावर n माइनस 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, 3 बाई 3 मैट्रिक्स। तो ऐसे प्रूव करते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। बाय इंडक्शन मेथड पुट एन इज इक्वल टू 1, वरना कुछ के अंदर तो क्या मिल जाएगा, ये ए रेस्ट पावर 1, 3 रेस्ट पावर 1 माइनस 1, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये मिल गया, 3 रेस्ट पावर 0 1 होता है, तो मिल गया जी ए, ठीक। तो ट्रू है ये, है ना, इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। अब ले लेते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर फॉर एन इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक। अब ले लेते हैं a रेज टू पावर k प्लस 1, ए रेज टू पावर के प्लस वन क्या होगा, ए रेज टू पावर के इंटू ए, करेक्ट। तो ए रेज टू पावर के को लिख लेंगे हम, ये 3 k माइनस 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इंटू, और ए को लिखेंगे हम 3 रेज टू पावर 0, यानी यही आएगा केवल 1 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 1, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 रेज टू पावर k माइनस 1, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ मिलेगा आपको 3। ऐसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ भी 3 मिलेगा, और यहाँ भी 3,
थ्री 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 थ्री, सब जगह थ्री थ्री मिलेगा, ठीक है। और थ्री ले लेंगे इसमें से कॉमन हम, तो इस तरह आपके पास में ए रेज टू पावर के प्लस वन हो जाएगा, थ्री कॉमन, थ्री रेज टू पावर के माइनस वन इंटू थ्री, और अंदर वन 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 वन, ठीक है। तो क्या प्रूव हुआ, तो ये प्रूव हो गया थ्री रेज टू पावर के वन 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 वन, ठीक। तो प्रूव हो गया है, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एन, करेक्ट। चाहे आप इसको बिना कॉलम में, आप कॉलम ना लेकर के आप डायरेक्ट थ्री की पावर के माइनस वन अंदर कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे ही करें इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ ए इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर वन माइनस वन, तो प्रूव दैट ए रेज्ड टू पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस टू एन माइनस फोर एन एन वन माइनस टू एन, वाई टू मैट्रिक्स है। तो बिल्कुल ऐसे करना है आपको, इसे बाय इंडक्शन मेथड। पुट एन इजिकल टू वन, ए रेज टू पावर वन क्या मिला, वन प्लस टू इंटू वन माइनस फोर इंटू वन 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 माइनस टू इंटू वन, तो वन प्लस टू थ्री माइनस फोर वन वन माइनस टू माइनस वन, तो ये क्या लगी बना, ये थ्री माइनस फोर वन माइनस वन, तो ये ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू वन। देखो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। नाउ अब ट्रू मान लेते हैं इसको हम, लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो के लिए मैं ट्रू मान लेता हूं इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू, भाई एन को हम के से रिप्लेस कर देंगे इसमें, वन प्लस टू के माइनस फोर के वन माइनस टू के, ठीक है। अब के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव करेंगे इसको ना, इसकी हेल्प से। नाउ एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो उसमें क्या लेंगे हम, जो जी ए रेज टू पावर के प्लस वन दैट इज ए रेज टू पावर के इंटू ए। अब ए रेज टू पावर के को मैंने ट्रू मान लिया है, वन प्लस टू के माइनस फोर के वन माइनस टू के, और ए की वैल्यू थ्री माइनस फोर वन और माइनस वन, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ के को के प्लस वन से रिप्लेस चाहते हैं हम, तो ये ट्रू हो जाएगा। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थ्री की मल्टीप्लाई इसमें होगी थ्री प्लस सिक्स के, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस फोर के। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई माइनस फोर में, माइनस फोर
माइनस 8 के और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 4 के। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के इंटू 3 3 के और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 माइनस 2 के। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 के और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो -1 प्लस 2 के। ठीक, अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 3 6 के -4 के 2 के, तो मिला आपको 3 प्लस 2 के। और यहाँ क्या मिलेगा, -4 -4 के। और यहाँ पर थ्री के ए प्लस है, यहाँ पर 3 के -2 के +1 और यहाँ पर -2 के -1। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है, मगर के रिप्लेस होगा के +1 से। तो इसको लिख सकते हैं हम आराम से, क्या 1 तो यहाँ लिख लेते हैं 1, तो ये बचेगा 2, 2 प्लस 2 के, तो 2 कॉमन ले लो इसमें, तो के +1 हो गया। इसमें -4 कॉमन ले लो, के +1। ठीक, यहाँ पर है के +1, 1 माइनस 2 के। तो इसमें आप 1 माइनस कर लो, 1 प्लस कर दो इसमें, तो लिख दो 1 माइनस 2, फिर कॉमन लेकर के +1। देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे, यही मिलेगा, देखो ये वाली टर्म मिलेगी, 1 माइनस 2 के +1। करेक्ट, तो ये प्रूव हो जाता है, यानी के की जगह के +1 आ गया इसमें। ले तो सो इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एन, ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। करेक्ट, नाइस। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी एंड बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये प्रूव करना है आपको। सॉल्यूशन, अब देखो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक है, एज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, मुझे प्रूव करना है इसको स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, का मतलब होता है
ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें। ओके लेट पी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, तो पी को प्रूव करना मुझे इसकी सिमेट्रिक। तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, मुझे प्रूव करना पड़ेगा पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोज लिखे हैं यहां पर, या डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, डैश ट्रांसपोज एक ही बात है, डैश या टी जो चाहे वो लिख सकते हो। ठीक है, नाउ पी डैश क्या होगा, ए बी माइनस बी ए होल डैश, ये तो होगा पी की वैल्यू ए बी माइनस बी ए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज, दोनों पर अलग अलग आएगा ट्रांसपोज, जी ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये डेफिनेशन होता है इसके। हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश माइनस ये बन जाएगा ए डैश इंटू बी डैश, इसे माइनस कॉमन ले लो, क्या बनेगा ए बी माइनस बी ए। ये क्या सपोज किया था मैंने, पी दैट इज माइनस पी, पी डैश मिल गया आपको माइनस पी। जैसे प्रूव हो गया ए बी माइनस बी ए इज इसकी सिमेट्रिक, सिंपलाइज ए बी माइनस बी ए इज इस क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सो दैट बी डैश ए बी, ये मैट्रिक्स है कोई मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, या तो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये डिपेंड करता है ए पर, अगर ए सिमेट्रिक तो ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना। तो पहले चेक कर लेते हैं हम इसको, सिमेट्रिक चेक करते हैं। पहला पार्ट सिमेट्रिक कैसा होगा, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आएगा। ठीक है, लेट इसको हम पी ले लेते हैं, पी इज इक्वल टू बी डैश ए बी। ओके, तो पी डैश क्या होगा, यानी इसका ट्रांसपोज बी डैश ए बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इन सबके ऊपर डैश आएगा, बट रिवर्स ऑर्डर में, सबसे पहले ये आएगा। ठीक है, पी डैश फिर ये आएगा, ए डैश फिर ये पी डैश होल डैश। ठीक, अब इसमें डबल डैश आ गया तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी डैश ए डैश और बी। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि ये पी यानी ये ट्रांससिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है, अब देखो यहाँ ए डैश आया, अगर ए सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, दैट इज
बी डैश ए बी, मतलब टेक ए एज सिमेट्रिक, ठीक, तो पी डैश पी के इक्वल आ गया, तो ये प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है, एज ए इज सिमेट्रिक, मतलब ए पे डिपेंड है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको इसकी सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे बी डैश ए बी को, तो सेकेंड पार्ट में इसको लेट ए इज क्यू सिमेट्रिक, इसको मान लिया मैंने, इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अब मुझे प्रूव करना है बी ए मतलब बी डैश ए होल डैश, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो क्या होगा अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज, देखो ए बी सी अगर ट्रांसपोज होता तो रहता है सी डैश बी डैश ए डैश, रिवर्स ऑर्डर में आता है, तो क्या आएगा इसका, ये बी डैश और ए डैश और बी डैश होल डैश, ओके दैट इज बी डैश, और ए डैश को मैंने ले लिया माइनस ए, तो माइनस आ जाएगा ए और ये बी, ठीक है, हो गया प्रो, तो बी डैश ए बी हो गया माइनस टाइम बी डैश ए बी, तो ये प्रो हुआ दिस इंप्लाइज बी डैश ए बी इज क्यू सिमेट्रिक एज एज इज क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तो ये प्रूव हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 2y z x y minus z x minus y z सेटिस्फाई ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, इसको सेटिस्फाई करता है, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो इसकी ए डैश और ए की, और मल्टीप्लाई करो और आई के साथ करेंगे इसका कंपैरिजन, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स हुआ है आप थर्ड ऑर्डर का, तो ए डैश क्या होगा, जीरो टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स एड्रेस हुआ, और ए की वैल्यू ये 0 2y z y
माइनस एड आई 1 0 0 ठीक है, मल्टीप्लाई करें इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 एक्स इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये मिलेगा 2x². नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2y एक्स इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई यानी एक्स वाई माइनस एक्स वाई जीरो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू z 0 एक्स इंटू जेड ये माइनस एक्स जेड और एक्स इंटू जेड प्लस एक्स जेड। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। नाउ माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0 वाई इंटू एक्स एक्स वाई और वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई तो यहाँ भी एक्स वाई है। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2y इंटू 2y और वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2y इंटू z 2yz वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जेड इंटू 0 0 माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स और जेड इंटू एक्स जेड एक्स। नाउ थर्ड रो सेकेंड कॉलम जेड इंटू 2y 2zy माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड वाई जेड इंटू वाई ये माइनस जेड वाई। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। ओके ये किसके इक्वल होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके तो ये देखो इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल ये 2zy माइनस 2zy ये कैंसिल और ये कैंसिल और ये भी और ये कैंसिल। तो क्या करेंगे हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे ठीक है। ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा यानी 2x² = 1 कंपेयर करेंगे और x मिल जाएगा आपको 1/2 का रूट प्लस माइनस 1/√2। यहां से मिलेगा आपको 6y² = 1 और y = 1/6 प्लस माइनस इस तरह से 3z² = 1 और जेड मिलेगा आपको 1/3 रूट में प्लस माइनस ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व होती है। तो आज की प्रॉब्लम यही हम खत्म करते हैं ठीक है। इसकी बाकी बची प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आप फिनिश करें। थैंक यू।